Good morning and welcome to Morning Desk. तो आज के एपिसोड में मैं ऐसे फर्द को बुलाना चाहूंगा जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट करने से डरती है, जिसको हम आज तक समझ नहीं पाए। तो प्लीज वेलकम कीजिए गुड्डू को। गुड्डू कैसे हो तुम? सलाम अलैकुम सर जी। वालेकुम सलाम गुड्डू, कैसे हो तुम? सर जी अल्लाह का शुक्र है जी। तो गुड्डू मैं ये पूछना चाहूंगा तुम्हारा असली नाम क्या है? सर जी नाम दे मेरा बिलाल है, पर महल्ले दे बच्चे मैनू चरसी गुड्डू कहंदे ने। तो गुड्डू मुझे ये बताओ कि तुम्हारी इस नशे की आदत शुरू कहां से? सर जी ये नशा ते जी असी घर तो शुरू कीता सी। गुड्डू घर तो पाउडर सुमदे सा। गुड्डू पाउडर नीचे रखो, नाइफ चल रहा है। सर जी ते वो बाहर क्रिकेट खेलन जाने था ना, ते बच्चे कहंदे ने गुड्डू चर्स तू पिया ते तेरी जानी पेस ओ बदेगी। हाँ तो तुमने चर्स इस्तेमाल करना शुरू कर दी? सर जी वो चर्स पीती साड़ी पेस ते नहीं बदी, साड़ी स्विंग हो गई उत्ते। तो गुड्डू तुम पाउडर के अलावा और भी किसी चीज का नशा करते हो? सर जी नशा ते बहुत चीजा ना होंदा जी। सर जी खांसी दे सिरप दा नशा करने आ, खांसी दा सिरप, पॉलिश दी डिब्बी दा करने आ, ते पेट्रोल दा भी करने आ। तो इसका इलाज नहीं करवाया तुमने कभी? सर जी इलाज ते बहुत करांदा सी पर सानू कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब इसमें ये बेचारा क्या करे, सोसाइटी ही ऐसी है, इसके इर्द-गिर्द का माहौल ही ऐसा है कि अब इलाज करवा के आएगा तो इसके भी दोस्त इसको वापस से इसके लगा दें। इसमें इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। गुड्डू देखो ये चम्मच में पाउडर डाल दिया। सर जी नशा तो नहीं होता चर्स। गुड्डू ये आग क्यों लगा देते चम्मच? गुड्डू गुड्डू लाइव टीवी पे तुम नशा कर रहे? सर जी चर्स से कोई नशा नहीं होगा। नशा नहीं होता ये मुझे बताओ, ये उंगलियां कितनी है? सर जी पांच। गुड्डू तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये नशा करने के लिए पैसे कहाँ से लाते हो, तुम्हें पैसे कौन देता? जी पैसे तो घर तो चुक दे ने, और उस तरह अलावा गलियां चु लोया लोया चुक के बेच दे। मुझे तुमसे ये बहुत गिला है कि तुम लोग गटर के ढक्कन उठा के ले जाते हो। सर जी उस तरह अलावा उत्थे दरबारा ते जाके ना मलंग बन के बही जाने हैं, ते अंज सलाम करते हैं, लोकी पैसे सुट्टी जाते हैं साढ़े ते। आप ये देखें कि यहाँ की आवाम को एक चर्सी और एक मलंग में फर्क करना भी नहीं आता, वो इनको मलंग समझ के पैसे लेके चले जाते हैं। गुड्डू जैसे लोग हमारी सोसाइटी में भरे पड़े हैं, ये आपको गलियों की नुक्कड़ पे बाजारों में चौक पर खड़े मिलेंगे, और ये सब हमारी लापरवाही का नतीजा है कि गुड्डू जैसे लोग आज इन नशों में पड़े। गुड्डू गुड्डू नहीं, गुड्डू नहीं, रखो इसको यहाँ, रखो जी का। क्या कह रहे हो गुड्डू? गुड्डू जैसे लोग जब इनको नशा नहीं मिलता तो इनके अंदर का साइंसदान जाग उठता है, ये छोटी छोटी चीजों में भी नशा ढूंढ लेते हैं। गुड्डू के घर वालों ने मुझे बताया कि एक दिन जब गुड्डू को पॉलिश की डिब्बी नहीं मिली तो किचन में जाकर नींबू सूंघ रहा था और वो नींबू का नशा कर रहा था। तो उसका नमूना मैं अभी आपको दिखाता हूँ। गुड्डू गुड्डू ये लो, ये रखो नींबू। गुड्डू जैसे लोग नींबू का भी नशा कर लेते हैं। ये देखिए अब ये नींबू के अंदर से उसका रस निकाल रहा। सर जी नींबू तो पंचर है, ये नींबू तो पंचर है। गुड्डू ये पंचर नहीं है, तुमने इसका रस बाहर निकाल दिया। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं उनके साइंटिफिक तजर्बे नींबू के साथ। तो ये देखिए हम इस टेबल पर आ गए हैं जहां पर गुड्डू की जरूरत की चीजें पड़ी हैं, एक चम्मच, एक सिरिंज, लाइटर और नींबू। अब देखते हैं गुड्डू इसका इस्तेमाल करके नशा कैसे बनाता है। गुड्डू पहले नींबू उठाकर सिरिंज खोलता है, सिरिंज को उसके अंदर इंसर्ट करके वो उसके अंदर कुछ इंजेक्ट कर रहा है। गुड्डू ये क्या इंजेक्ट कर रहे हो तुम?
ਸਜੀ ਨਿੰਬੂ ਚ ਚਰਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਟਿਆ ਹੈ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਪਾਟ ਬਦੂ ਇਹ ਫਟਾ ਹੋਇਆ ਨਿੰਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਮਨੇ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਾਖ ਕੀ ਹੈ। फिर उसके बाद गुड्डू इस चम्मच को गर्म करता है जिसके ऊपर नींबू पड़ा है। गुड्डू इसमें कितना टाइम लगता है? पांच मिनट में गुड्डू का ये नशा तैयार हो जाता है। फिर गुड्डू इसको गर्म करने के बाद सिरिंज वापस अंदर इंसर्ट करता है और जो भी अंदर कंकॉक्शन बनती है उसको एक सिरिंज में भर लेता है। तो ये है गुड्डू की सस्ती नशे वाली जिंदगी। तो ये थी गुड्डू नशा 101। गुड्डू जैसे लोग हमारी सोसाइटी का हिस्सा है और हमें चाहिए कि हम इन लोगों को एक्सेप्ट करें। तो आज के एपिसोड में यही खत्म करता हूँ। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। साइनिंग ऑफ।